प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज सिंधी पकोड़ा बनाएंगे। सिंधी पकोड़ा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, पालक, सोया, पुदीना, हरी धनिया, इसको धो के ऐसा काट के लिया है। अभी इसमें पत्ता गोभी डाल रही हूँ, अदरक, मिर्ची, धनिया, सूखा धनिया ऐसा दरदरा कूट के डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक, बेसन, 2 केवी बेसन डाल रही हूँ, 1 केवी चावल का आटा, थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। पालक में पानी होता है ना, इसलिए पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर चाहिए तो थोड़ा ऐसा पानी चींटा करके इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये मिक्स हो गया है। इसको तल लेंगे। गैस पर तेल रखा है, तेल गरम हो गया है। अभी इसमें छोटा छोटा पकौड़ी डालेंगे। देखिए ऐसा इसको तल लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये हो गया है। अभी इसको निकाल रही हूँ। देखिए रोज कलर आया है, क्रिस्पी पकोड़ा रेडी हो गया है। देखिए जो भी आटा बचा है उसको भी तल लेंगे। ये शाम के स्नैक्स में बहुत अच्छा होता है, सभी को अच्छा लगेगा गरम गरम। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाली हूँ। देखिए सिंधी पकोड़ा रेडी।